नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों तक छोटे से छोटा जानकारी हो या बड़े से बड़ी अपडेट हो, वो पहुँचती रहे। मैं अपने तरीके से आप लोगों को वो जानकारी देता हूँ और आप काफ़ी पसंद भी करते हैं। इसीलिए आज के इस एपिसोड में कुछ इसी तरह का छोटी सी मगर काफ़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ भारतीय रेल से जुड़ी हुई। हो सकता है इसके बारे में आप इससे पहले कभी सोचे नहीं हो, लेकिन आपको आगे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और इस बात से सहमत आप थंबनेल देखकर ही हो चुके होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं, अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए, कि कोई गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन पर रात को 11:55, वो हमारा टाइम है 11:55, रेलवे के हिसाब से 23:55 पर वो पहुंचती है, लेकिन 12 बजे के बाद 12:05 पर वो खुलती है, तो हम किस डेट की टिकट बुक करेंगे? मान लीजिए ऐसा अगर होता है आपके साथ, कभी ज़रूरत पड़ती तो आप किस डेट की टिकट बुक करोगे? इसकी जानकारी जो है रेलवे की तरफ से मुझे मिली, लेकिन वो भी गलत जानकारी। आज आपको इस एपिसोड में मैं हर एक जानकारी सही तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आपको आगे चलकर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इसी तरह हर रोज़ एक नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, 11:55 या 12:05 इस बीच अगर कोई गाड़ी आती है और खुलती है किसी स्टेशन से, तो इसके लिए हम किस तारीख की टिकट बुक करेंगे, ये जो है मुझे पहले से पता है। तो मैंने भारतीय रेल से, जैसे कि मुझे पता है लेकिन हर किसी को पता होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, जाएंगे इंडियन रेलवे से इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे तो रेलवे इस बारे में क्या कहती है। इसके लिए मैंने IRCTC को कॉल किया। ये जो नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पर मैंने जब कॉल किया, मैंने पूछा, तो मुझे बताया गया कि सर, गाड़ी कब खुलती है उसका कोई मतलब नहीं है, गाड़ी जब आती है वो टाइम को आप काउंट करोगे। मुझे जानकारी थोड़ा सा भाई मेरे पल्ले नहीं पड़ा, इसके लिए मैंने फिर कॉल किया 139 पर, यानी कि इंडियन रेलवेज को, तो उन्होंने मुझे जो है सही जानकारी दे दी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी एक एग्जाम्पल देकर आप समझ जाओगे। एक गाड़ी को हम यहाँ पे चुनते हैं, गाड़ी का नंबर है 02564। ये जो गाड़ी है आप इसको देख सकते हैं, इसका मैं ई रेल में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये गाड़ी जो है कानपुर सेंट्रल में आती है रात को 11:55 पर, लेकिन यहाँ से खुलती है रात को 12:05 पर। यहाँ 23:55 है भारतीय रेल का जो टाइम है, उस टाइम के हिसाब से 23:55 पे वो आती है, लेकिन 12:05 में खुलती है। अगर कोई व्यक्ति कानपुर सेंट्रल से इस वक्त टिकट बुक करेगा, तो वो किस तारीख की टिकट बुक करेगा? मान लेते हैं 1 तारीख को ये 11:55 में आ गई, 2 तारीख को 12 बजे के बाद 2 तारीख हो जाएगा, डेट बदल जाएगा, तो 2 तारीख को वो 12:05 में निकलेगी। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अगर यहाँ से ट्रेवल करता है, तो वो क्या किस डेट की टिकट बुक करेगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि इसका एक सिंपल सा फंडा भी आपको बताऊंगा। कोई भी ट्रेन जब आती है, गाड़ी जब पहुंच जाती है रेलवे स्टेशन पर, तो वो टाइम काउंट नहीं होता है। गाड़ी जब खुलती है आपके स्टेशन से, यानी कि 23:55 पर आई और 12:05 पर ये खुलती है, तो इस हिसाब से गाड़ी का आने का नहीं, बल्कि गाड़ी खुलने का जो टाइम है, उस तारीख की आप टिकट बुक करोगे। अगर मैं बात करूं भारतीय रेल की टिकट बुकिंग वाली वेबसाइट यानी कि IRCTC की, तो IRCTC में इसी ट्रेन को आप यहां देख लीजिए, इसका जो नंबर है वो है 02564। 12:05 पर इसका टाइम है कानपुर सेंट्रल में, यानी कि इंडियन रेलवे की वेबसाइट में आपको ये बताया ही नहीं जाता है कि गाड़ी कब आती है, गाड़ी कब खुलती है, सिर्फ वही टाइम दिखाया गया है ताकि लोग कन्फ्यूज ना हो। तो आप कुछ इसी तरह से यहाँ से जानकारी ले सकते हो। लेकिन जैसे कि होता है, कई बार हम किसी और को बोलते हैं, कहते हैं कि भाई ये गाड़ी जो है, मतलब बहुत सारे लोग जो है आने का टाइम को काउंट कर लेते हैं और उस हिसाब से वो टिकट बुक कर देते हैं। आपने पहले से देख लिया कि भाई ये तो कानपुर सेंट्रल में आ जाती है 1 तारीख को, 1 तारीख का ही टिकट बुक कर लो और आप जाओगे भी 1 तारीख को, लेकिन आपको ये गाड़ी वहाँ नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।